ओरिजिनल कलर में? ओरिजिनल कलर में है। इसके बारे में बताइए। 2017 मॉडल डी आई ब्लोरो है। 2017 मॉडल है, कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं है गाड़ी। लेटिप की बात करें तो तो आप जानते हैं यहाँ पे फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल है सर? फाइनेंस की सुविधा हो जाएगी। चारों टायर नए लगे हुए, गाड़ी में कोई खर्चा नहीं है, बस डीजल डाल दिया और लेके चलते रहे। वेलकम बैक टू माई चैनल पूजा ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ वो वीडियो जिसका आप हर सेकेंड हैंड कार के वीडियो में डिमांड करते हैं। जी हाँ, आप पीछे देख सकते हैं स्कॉर्पियो एंड ब्लोरो की वीडियो आपके डिमांड पर मैं लेकर आ गई हूँ। तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा, तभी मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए, आपके प्यार के लिए लेकर आती रहूँगी। तो गाइज, अगर आपको मैं इस वीडियो में बता दूँ कि मैं आ गई हूँ जहाँ का वीडियो बनाने, वो है रियल वैल्यू। एंड यहाँ पर मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगी, लाइक कार की कंडीशन कैसी है, फाइनेंस की सुविधा है कि नहीं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको डिटेल समझ में आएंगे। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए एंड आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर सके। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर ले ताकि रिगार्डिंग टू कार आप मुझसे डीएम करके बातें कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जमाल जी, तो इनका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार सब्सक्राइबर को हाय बोल दीजिए। तो आज आप मेरे व्यूवर्स को कौन कौन सा कार दिखाएंगे? स्कॉर्पियो एंड बोलेरो। स्कॉर्पियो एंड बोलेरो जो बड़ी कार है, आज आपको मिलेगी आपके डिमांड पे। बिना देर किए चलिए पीछे जो कार है उसके बारे में जानते हैं। मॉडल कौन सा होगा? ये फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है, मॉडल में कौन सा होगा? 2014 मॉडल। 2014 में होगा। ओनरशिप की बात करें तो फर्स्ट है। फर्स्ट ओनर। ओरिजिनल कलर में? ओरिजिनल कलर में। कितना किलोमीटर चला हुआ है? 76,000 किलोमीटर ये चला हुआ है। एंड आपको मैं दिखा दूँ वेरिएंट कौन सा होगा? ये BLX टॉप मॉडल। डीजल या पेट्रोल? डीजल में है। आपको बता दूँ वेरिएंट, तो आप टायर की कंडीशन देख सकते हैं, 90% अबव टायर है। एंड मैं आपको अभी साइड व्यू दिखा दूँ, तो चलिए इसे बैक से भी देखते हैं। नंबर प्लेट की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रांची रजिस्टर्ड नंबर प्लेट है। तो अब आप बताइए इसका सेलिंग प्राइस आप क्या रखे हैं? सेलिंग प्राइस इसका पड़ जाएगा 6,75,000। 6,75,000 इसका सेलिंग प्राइस है। थोड़ा मोटा डिस्काउंट हो जाएगा? हो जाएगा, थोड़ा मोटा डिस्काउंट भी हो जाएगा। ब्लॉग देख के आ सकते हैं तो हो जाएगा। मेरा ब्लॉग के थ्रू आने पे आपको थोड़ा मोटा डिस्काउंट मिल जाएगा, फिक्स प्राइस नहीं है। तो चलिए बिना देर किए अगली कार के बारे में जानते हैं। एक बात बता दूं कि जो पहला स्कॉर्पियो आपने देखा था उसका इंटीरियर मैं आपको नहीं दिखा पाई, उसका रीजन आपको सर बताएंगे। तो इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि अभी टेस्ट ड्राइव में निकले हुए हैं पार्टी गाड़ी लेके, और चाबी वही गाड़ी में रह गया, अभी टेस्ट ड्राइव में निकले हैं तो चाबी लेके चले गए, तो अभी लॉक। तो गाइस सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये गाड़ी लॉक है इसलिए मैं आपको इसका इंटीरियर नहीं दिखा सकती। ओवरऑल व्यूज आप देख सकते हैं, चलिए आप ही इसके इंटीरियर के बारे में बता दीजिए। इसका सीट कवर लगा हुआ है, न्यू लगा हुआ है, प्लस मैजिक सिस्टम है, पावर विंडो है, एसी वगैरह जो भी अवेलेबल है 2014 मॉडल में वो सब अवेलेबल है। हम इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि चाबी लेके चल गए, नहीं तो अभी हम दिखा देते हैं और मेरे तो, आप लेके चले गए। तो गाइस चाबी नहीं है फिर भी जो इंटीरियर है वो सब सर ने बता दिया। तो चलिए अब दूसरी कार के बारे में जानते हैं। दूसरी कार आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है बोलेरो। तो अब इसके बारे में बताइए। 2017 मॉडल। 2017 मॉडल। ओनरशिप की बात करें फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है। कितना किलोमीटर चला हुआ है? चली ये 55,000 किलोमीटर चला हुआ है। ओरिजिनल कलर में? ओरिजिनल कलर में। ओरिजिनल कलर में आप देख सकते हो
पेट्रोल या डीजल है? ये डीजल, डीजल वेरिएंट में है। अब मैं आपको इसके टायर की कंडीशन दिखा दूं, गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो कितना परसेंट टायर होगा। 70% अब टायर है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाना चाहती हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड बैक से भी आपको मैं महिंद्रा की ब्लोरो दिखा रही हूँ। नंबर प्लेट की बात करें तो कहाँ की कार होगी सर? ये गोट्टा, गोट्टा, गोट्टा नंबर, गोट्टा नंबर प्लेट है, आप देख सकते हो। शोरूम टायर ही लगा हुआ, एंड शोरूम टायर है, टायर चेंज नहीं है। तो चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको मिल जाएंगे इसके साथ म्यूजिक सिस्टम, पावर स्टीयरिंग, सीट की कंडीशन आप देख सकते हो, मैट वगैरह न्यू लगे हुए हैं। बैक से भी आप सीट की कंडीशन देख सकते हो, वेल मेंटेन कंडीशन में है कार। 2017 मॉडल है, कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं है गाड़ी लेने के बाद आपको कोई खर्चा नहीं करना है, सर ने बताया। एकदम फ्रेश है, अंदर से आपने इंटीरियर देखा। तो अब आप इसका सेलिंग प्राइस बता दीजिए। 6,75,000 इसका सेलिंग प्राइस है। थोड़ा मोटा डिस्काउंट एकदम मिलेगा वीडियो देख के आने पे। तो चलिए धूप बहुत ज़्यादा है, देर किए बिना अगली कार के बारे में जानते हैं। अगली कार आप स्क्रीन पे देख सकते हो कौन सी होगी। ये भी DLX टॉप मॉडल है, DLX टॉप मॉडल है। ऑनरशिप की बात करें तो फर्स्ट ऑनर है, ओरिजिनल कलर में, ओरिजिनल कलर में देख सकते हैं, ओरिजिनल कलर में आप देख सकते हो। एंड पेट्रोल या डीजल है? ये डीजल वेरिएंट है, डीजल वेरिएंट में है। आप कितना किलोमीटर चला हुआ होगा? चला हुआ 78,000 किलोमीटर चला हुआ है। और आपको मैं आप इसकी टायर की कंडीशन दिखा दूँ, की कंडीशन वेल मेंटेन, नया लगा हुआ है, सर ने बताया। इसकी इसकी जो चारों के चारों टायर है वो सारे नए लगे हुए हैं। आपको मैं इसका साइड भी दिखाना चाहती हूँ, साइड से आप लोग स्कॉर्पियो को देख सकते हैं। एंड बैक व्यू भी आपको मैं दिखाना चाहूँगी। कौन सा नंबर प्लेट कहाँ? धनबाद नंबर है, आप देख सकते हैं ये धनबाद रजिस्टर्ड नंबर प्लेट लगे हुए हैं स्कॉर्पियो के। तो चलिए अब बैक से मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाना चाहती हूँ। सीट स्पेस आप देख सकते हो कितना अच्छा है, सीट की कंडीशन भी अच्छी है। अंदर से आप सीट की कंडीशन देख सकते हो, मेंटेन है एंड मैट वगैरह लगे हुए हैं। तो आपको मैं इंटीरियर दिखाना चाहती हूँ, अंदर से आप इंटीरियर देख सकते हो, मैट वगैरह लगे हुए, सीट की कंडीशन आप देख सकते हो। पावर विंडो है विद पावर स्टीयरिंग, एसी एंड म्यूजिक सिस्टम लगे हुए, कंपनी फिटेड ही है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। गाड़ी में कोई खर्चा नहीं है, बस डीजल डालिए और लेके चलते रहे। तो लेने के बाद आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस डीजल डालना है और गाड़ी स्टार्ट करना है एंड एंजॉय करना है। तो अब आप इसका सेलिंग प्राइस कितना रखे हैं? 6,75 इसका भी कॉस्ट प्राइस है, जो कि थोड़ा मोटा डिस्काउंट हो जाएगा। तो चलिए अब अगली कार के बारे में जानते हैं। अगली कार आप कौन सा दिखाएंगे? ये DI ब्लोरो है, DI ब्लोरो है। अगली कार 2012 ग्रे कलर की है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 2012 मॉडल है। ऑनरशिप की बात करें तो फर्स्ट ऑनर है। कितना किलोमीटर चला हुआ है? ये चली हुई है 85,000 किलोमीटर चला हुआ है। ओरिजिनल कलर में होगा? ओरिजिनल कलर में, ओरिजिनल कलर है। पेट्रोल या डीजल वेरिएंट है? डीजल वेरिएंट है, डीजल वेरिएंट है। रांची रजिस्टर्ड नंबर प्लेट है, आप देख सकते हो। एंड टायर की कंडीशन आपको मैं दिखा दूँ स्क्रीन पे, आप टायर की कंडीशन देख सकते हो। कितना परसेंट टायर होगा सर? नया टायर लगा, चारों टायर नए हैं, चारों टायर नए लगे हुए हैं। साइड व्यू आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चलिए अब आपको मैं इसका इंटीरियर दिखा दूँ। आपको इसके साथ नॉर्मल ग्लास विंडो मिल जाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम आपको कंपनी फिटेड मिल जाएंगे, पावर स्टीयरिंग मिल जाएंगे, सीट की कंडीशन वेल मेंटेन नहीं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सीट कवर नया लग जाएगा, लेकिन जब आप लोगे तो आपको ये ठीक करके मिलेगा। बैक से भी आप सीट की कंडीशन देख सकते हो एंड मैट वगैरह लगे हुए हैं। तो सर आप इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना रखें?
इसका सेलिंग प्राइस आप कितना रखे? 3.5 लाख है। 3.5 लाख इसका सेलिंग प्राइस है। नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल इसमें हो जाएगा, देख लेंगे। हो जाएगा आपको वीडियो के थ्रू आने पे। तो अब अभी गाइस आपने अभी जो फोर व्हीलर कार्स थे वो आपने देख लिए, तो अब जानते हैं यहाँ पे फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल है सर? फाइनेंस की सुविधा हो जाएगी। हो जाएगी। मिनिमम डाउन पेमेंट कितना होगा? 35% कोई गाड़ी में 35%, किसी में 30%। 30 से 35% अकॉर्डिंग टू कार यहाँ का मिनिमम डाउन पेमेंट है। नॉन ट्रांसफर चार्जेस कितना होगा आपके यहाँ का? अगर कोई कैश में ले रहे हैं तो 5,000 और अगर कोई फाइनेंस करा रहे हैं तो 7,500। कैश में आपको 5,000 पड़ेंगे एंड कैश के अलावा आप लेंगे तो 7,500 रुपये आपको पड़ेगा। कितना दिन लगेगा नाम ट्रांसफर करने में? दिन 1 महीना लगेगा। 1 मंथ का टाइमिंग लग जाएगा। तो आई होप गाइज आज का जो सेकेंड हैंड ब्लोरो एंड स्कॉर्पियो का वीडियो था वो आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कोई और कार के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में उसके ऊपर अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।